Good morning, student. Welcome back again to Arpan International School. How are you? I hope you are fine. Be safe at home. In the previous video of the worksheet, that means part 1, we have completed question number 1, MCQ, question number 2, fill in the blanks, question number 3, true and false. Have you learned it? Yes or no? Yes. Very good. Now, in today's video, we are going to learn how to solve question number 4. Match the following. Here, as the same, two columns have given. Two columns means column A and column B. In between that both column, answers are given. So, you can easily get the answers. Okay. In column A, what are the options are there? Options are turmeric, ajwain, asafoetida, fenugreek and cloves. These are the options of column A. These all are the home ready means. Home ready means what? Homemade medicines are there available in everybody's home. And in column B, some troubles are there. That means some health problems that we have in our day-to-day life, just like gas and bloating, toothache, headache, cold and cough, stomach ache and joint pain. So here what we have to do? We have to match these health problems that given in column B to match with the homemade medicines. जैसे कि घर में जो medicines available होती है वही क्या करते हैं हम लोग उस time लेते हैं. तो वैसे ही हमें क्या करनी है, हमारी ये जो कॉलम बी में सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स दी है उसको क्या करना है, हमारे मेडिसिन से मैच करना है. अंडरस्टूड? द फर्स्ट वन टर्मरिक. व्हेन वी आर गोइंग टू यूज टर्मरिक? ऑप्शन डी इज देयर. व्हेन वी हैविंग कोल्ड एंड कफ. जब हम कोल्ड एंड कफ होता है हमें, तभी हम क्या करते हैं, टर्मरिक मिल्क में मिक्स करके हम एज अ मेडिसिन लेते हैं. ओके. अजवाइन, अजवाइन व्हेन वी हैविंग गैस एंड ब्लोटिंग. देन आंसर ऑफ द सेकेंड ऑप्शन ऑफ कॉलम ए इज गैस एंड ब्लोटिंग. देन थर्ड वन एस्फोटिडा, दैट मीन्स हींग. हींग कब यूज करते हैं? डेली हम क्या करते हैं, खाना बनाते वक्त हमारे घर में हींग यूज होता है. उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्फोटिडा. ओके. तो हींग कब यूज़ किया जाता है? जब हमें स्टमक एज होती है तब हम क्या करते हैं, हींग यूज करते हैं. अंडरस्टूड? देन फेनोग्रीक. फेनोग्रीक मीन्स वॉट? मेथी. आपको पता है ना, मेथी की सब्जी हमारे घर में बनती है. व्हेन वी आर यूजिंग इफ़ यू हैव जॉइंट पेन. अगर आप डेली भी फेनोग्रीक कंज्यूम करते हो, खाते हो, तो आपको जॉइंट पेन नहीं होता. क्लोज. क्लोज मीन्स वॉट? लॉन्ग. लॉन्ग कब यूज़ किया जाता है? व्हेन वी हैविंग टूथ एज. जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम क्लो ऑयल यूज करते हैं. अंडरस्टूड अबाउट इट? वेरी गुड. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस. फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन योर फैमिली एंड वाई? आपके घर में खाना बनाते में कौन हेल्प नहीं करता और क्यों? हमारे घर में खाना कौन बनाता है? हु कुक फूड इन आर फैमिली? आर मदर और सिस्टर. ओके. सो हियर वी हैव टू राइट आंसर लाइक दिस. माई सेल्फ एंड माई फादर डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन आर फैमिली. मैं और मेरे पापा, क्योंकि हम क्या है, अभी बहुत छोटे हैं, है ना, खाना बना सकते हैं हम नहीं. ओके. सो आंसर इज माई सेल्फ एंड माई फादर डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन आर फैमिली. आई रीड बुक्स एंड माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर. मैं क्या करता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ और मेरे पापा क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं. अंडरस्टूड? सी द नेक्स्ट वन, हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली. घर में लास्ट में खाना कौन खाता है? आपके घर में कौन खाता है?
मम्मी खाती है ना, सबका खाना हो जाने के बाद मम्मी क्या करती है, लास्ट में खाती है अपना फूड। तो हमारे घर में भी हमारी मम्मी ही क्या है, लास्ट में फूड कंज्यूम करती है, खाती है। सो मदर ईट्स लास्ट इन द फैमिली, घर में लास्ट में मम्मी ही है जो खाना खाती है। थर्ड वन, डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ़ नॉट व्हाई? आपके घर में जो सारे फैमिली मेम्बर्स है वो एक साथ ही खाना खाते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं खाते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है। सो आंसर इज नो, ऑल पीपल इन माई फैमिली डज नॉट ईट टुगेदर। यहाँ पे आंसर आपको कंप्लीट लिखना है, नो ऑल पीपल इन माई फैमिली डज नॉट ईट टुगेदर बिकॉज ईच मेंबर हैव डिफरेंट वर्क टाइमिंग्स। हमारे घर में सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना नहीं खाते, क्योंकि क्या है, सब मेंबर्स की अलग अलग क्या है, वर्किंग टाइम्स है। वर्किंग टाइम्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग फैमिली मेंबर्स, अपना अपना खाना खाते हैं। ओके, फोर्थ वन, हु फ्रॉम योर फैमिली ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट? आपके फैमिली में मार्केट से वेजिटेबल कौन लेके आता है? सो आंसर इज इन आर फैमिली माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। तो हमारे फैमिली में हमारे जो फादर है, हमारे जो पापा है, वो क्या करते हैं, सब्जियां लेके आते हैं। दैट मीन्स दे ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वही वेजिटेबल परचेज करके लाते हैं। देन फिफ्थ वन, हु डज मोर वर्क, ज़्यादा काम कौन करता है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जैसे कि योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स फैमिली, दोनों हमने क्या की थी, कंपेयर की थी। जैसे कि हमारे घर में ज़्यादा काम कौन करता है, हमारी मम्मी करती है, और हमारे फ्रेंड्स के घर में भी ज़्यादा काम कौन करता है, उसकी मदर करती है। अंडरस्टूड? देन सिक्स क्वेश्चन, इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिलीज? इफ यस, लाइक विच वन? हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर्स? आपकी फैमिली वेनू की फैमिली और रानी की फैमिली के जैसे ही है? अगर है तो आपकी फैमिली किसके जैसी है? एक तो वेनू की फैमिली जैसी है कि रानी की फैमिली जैसी है? इन दैट बोथ फैमिलीज we have seen in the lesson, Venu's family, each and every member sharing the household work. They are doing everyone's work at home. All people's क्या कर रहे हैं, वेनू के फैमिली में घर का काम करने में मदद कर रहे। बट इन रानी's family, only Rani and her mother is doing all the household work. वहाँ पर काम की sharing नहीं होती। तो आपकी family किसके family जैसे है, रानी की family जैसे है कि वेनू के family जैसे है, आपको यहाँ पर mention करना है। So my answer is, my family is like Venu's family. मेरी फैमिली कैसी है बच्चों? वेनू की फैमिली जैसी है। एवरीवन इन माय फैमिली शेयर्स वर्क, मेरे घर में क्या होता है, सब जो पीपल है वो काम शेयर कर लेते हैं। ऑल ऑफ अस ईट टुगेदर, और सब मिल बांट के ही खाना खाता है, खाना खाते हैं। जैसे कि अगर मॉर्निंग में भी सबका वर्क टाइमिंग अलग होता है, पर नाइट में क्या होता है, डिनर करते वक्त हम लोग सब साथ में ही खाना खाते हैं। अंडरस्टूड अबाउट इट? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, हियर राइट सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफली। नाउ द फर्स्ट वन, वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम? द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, एड सम मोर इन द लिस्ट। What we have to do? See, questions are given here. What we eat, where it come from? हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? जैसे कि some food items are given, कुछ food items यहाँ पर दिए, पर कुछ food items क्या करने हैं, हमें खुद को लिखने हैं। See first, honey, turmeric, fish. And here I gave
राइस, कॉर्न, मिल्क, लेमन एंड कैबेज, एग, मीट, बनाना, चीज, टोमेटो, अनियन, एप्पल, कर्ड. हियर सम फूड्स हैव गिवन, दैट मीन्स जो अंडरलाइन किए हैं दैट आर वी हैव एडेड इन दैट लिस्ट, बट दोज आर नॉट अंडरलाइन. वी हैव टू सी वेयर दिस फूड कम फ्रॉम. जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज अ हनी. हु गिव्स अस हनी? दैट हनी बीज. द हनी बीज मीन्स हनी वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स. देन कॉर्न. कॉर्न इज अ प्लांट गिविंग अस. कॉर्न हमें कौन देता है? प्लांट्स देते कि नहीं? नाउ एग्स. हु गिव्स अस एग? एनिमल. सो इट केम फ्रॉम एनिमल. एंड टोमेटो. टोमेटो वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? टोमेटो. ओके. द सेकेंड वन टर्मरिक एंड अनियन. दिस बोथ द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स. एंड मिल्क एंड मीट. दिस टू थिंग्स आर देयर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स. ओके. देन हियर इन द थर्ड कॉलम फिश. दिस इज द ओनली वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स. फिश कौन सा फूड है बेटा? एनिमल्स हमें देते हैं, है ना? और जो लेमन है, बनाना, एप्पल, दिस फूड वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स. ये क्या है? वेजिटेरियन फूड है. वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. द थर्ड वन फोर्थ वन कॉलम इज अ राइस, कैबेज. दिस बोथ फूड थिंग्स वी हैव गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स. जैसे कि राइस है, राइस भी हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं. कैबेज कौन देता है हमें? प्लांट से ही मिलता है. बट चीज एंड कर्ड, दिस बोथ द थिंग्स वी आर दिस आर एनिमल गिविंग अस. जैसे कि दूध आता है, दूध से ही क्या बनता है? कर्ड बनता है कि नहीं? और चीज़ भी किससे बनता है बच्चों? मिल्क से ही बनता है. ओके ना? दिस बोथ आर एनिमल गिविंग अस एंड द रिमेनिंग आर प्लांट्स गिविंग अस द फूड थिंग दैट वी ईट एंड वी आर गेटिंग एनर्जी फॉर डूइंग आर डे टू डे लाइफ वर्क. अंडरस्टूड? सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. वेन यू आर सिक डू यू टेक एनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? वॉट डू यू टेक वेन यू? नाउ हियर क्वेश्चन इज गिवन. When you are sick, when you are sick means what? जब आप कभी बीमार पड़ते हो, do you take any medicine which we get from plant? तो आप कोई ऐसे medicine लेते हो जो हम plant से हमें मिलती हैं. What do you take when you? Now here four problems have given, health problems are given, and what medicine that we get from plants we will take that time we have to mention in the answer. Just like one, see, get hurt. When we get hurt, what we have to take? We take turmeric with milk. जब आप खेलते वक्त गिर जाते हो तो हम क्या करते हैं? दूध में हल्दी मिला के हम क्या करते हैं? उसे ड्रिंक करते हैं. तो हमारी जो भी घाव होता है, जो भी हमें लगा होता है, वो क्या होता है? जल्दी से फील हो जाता है और हमें अच्छे से आराम मिलता है. ओके. द सेकेंड वन, हैव अ स्टमक एच. जब आपका पेट दर्द होता है तो आप कौन सी मेडिसिन लेते हो जो हमें प्लांट दे सकता है? सो हियर वी टेक सॉल्ट एंड अजवाइन विथ वाटर. तो हम क्या करते हैं? सॉल्ट एंड अजवाइन का मिक्सचर पानी के साथ लेते हैं. तो हमारा पेट दर्द, दैट मीन्स स्टमक एच, क्या होता है बच्चों? जल्दी से ठीक हो जाता है. अंडरस्टूड? देन थर्ड वन, हैव कफ एंड कोल्ड. जब हमें सर्दी खांसी होती है देन वी हैव टू टेक तुलसी, जिंजर एंड लौंग. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं जो हमें प्लांट प्रोवाइड करता है, तो इन तीनों का मिक्सचर क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं. देन फोर्थ वन, हैव अ टूथ एच. जब हमारा दांत दुखता है तो हम क्या करते हैं? वी अप्लाई क्लो ऑयल ऑन द टीथ. तो हम क्या करते हैं? क्लो ऑयल जो होता है तो हमारे
यानी लौंग का तेल मिलता है। देखो मम्मी से पूछो आप, मम्मी को पता होता है ये सारी होम रेमेडीज़, ओके ना, और ये सारी चीज़ें हमें प्लांट प्रोवाइड करता है। तो क्लो ऑयल क्या करते हैं, हम अपने दांतों पे अप्लाई करते हैं तो हमारा टूथ एज क्या होता है, ठीक हो जाता है। अंडरस्टूड अबाउट इट? ओके सी, दीज आर द अप टू क्वेश्चन नंबर 2. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड मोर इन दैट। अंडरस्टूड अबाउट इट? फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर 2 to 3 टाइम्स एंड राइट 1 टाइम इन योर EVS नोटबुक विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। ओके अंडरस्टूड अबाउट इट? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम वी विल सी द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन थैंक यू।